मुख्यमंत्री योगी की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल गोरखपुर की एक खास पहचान टेराकोटा की ब्रांडिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन पर और मजबूत होगी। राष्ट्रपति 4-5 जून को गोरखपुर और मगहर आ रहे हैं। मगहर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें उद्यमियों की तरफ से टेराकोटा शिल्प से बनी प्रभु श्री राम, भगवान गणेश और महान समाज सुधारक संत कबीर की मूर्ति गिफ्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर तीसरी बार गोरखपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व स्तरीय ख्याति प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। 5 जून को वह संत कबीर की साधना स्थली मगहर जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मगहर गीडा के समीप है। संत कबीर की साधना स्थली पर आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के कुछ उद्यमी भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्हें टेराकोटा शिल्प से बनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान गणेश और संत कबीर की मूर्तियां भेंट करेंगे। उल्लेखनीय है कि टेराकोटा माटी शिल्प गोरखपुर की खास पहचानों में से एक है। CM योगी द्वारा इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल करने के बाद इसकी ख्याति वैश्विक फलक तक पहुंची है। रामनाथ कोविंद ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। श्री कोविंद बतौर राष्ट्रपति सबसे पहले 10 दिसंबर 2018 को गोरखपुर आए थे। तब वह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरक्षनाथ की आराधना की थी। इसके बाद उनका गोरखपुर आगमन 28 अगस्त 2021 को हुआ था। तब उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया था।